अगर मैं इसे ऐसे करूँ, ओ यस, चार लकी ब्लॉक बनेंगे। तो गाइस तुम सभी का फिर से स्वागत है माइनक्राफ्ट में, और ये हमारा स्काई फैक्ट्री का 9th एपिसोड। वेल, इस एपिसोड में मैं ज्यादातर तो कुछ करने वाला हूँ नहीं, आई मीन बुक का कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इसमें और भी दूसरे काम है तो वो करूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें ऑफलाइन में दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने अपना क्या कहते हैं इसे मैटर कन्वर्टर का एक अलग से एक सिस्टम बना दिया है। उसके अलावा वो मैं पहले ऐसा कर दिया जैसा पहले था, वो यहाँ पे सारे ये चीजें अब जुगाड़ हो रहे हैं और मेरे मैटर कन्वर्टर पे सारे ये चीजें जुगाड़ हो रहे हैं जो बहुत भर भर के आ रहे हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते भर भर के आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा बंद करना पड़ा। और इसमें सबसे ज्यादा भर भर के एक चीज आ रहा है, वो है नेदर क्वार्ट्स। नेदर क्वार्ट्स है ना, हाँ नेदर क्वार्ट्स, ये बहुत भर भर के आ रहे हैं जो मुझे चाहिए था। और यहाँ पे घास टीयर भी भर भर के आ रहे हैं। इसके साथ मैंने अपने सोलार के पावर को और भी ज्यादा इनलार्ज कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाला ऑलरेडी लगा दिया था इसीलिए, और अब तो भर भर के यहाँ पे पावर भी आ रहा है। और मैं सोचा कि मैं इस वाले इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन डायमंड के ब्लॉक मेरे पास खत्म हो गए, तो अब तो मैं नहीं कर सकता इसके कारण। इसके साथ मैंने 2-3 और रिंग्स बनाए थे, एक्चुअली एक ही रिंग बनाया था। क्या इन रिंग का ना एक बहुत बड़ा डिफेक्टिव है, वो ये है कि अगर मैं ये वाला रिंग पहनूं तो मेरे से ये रीजनरेशन का रिंग फिर खुल जाएगा, मैं दोनों रिंग एक साथ नहीं पहन सकता। तो मैंने उसे इस चेस्ट पे रखा है जो मेरे नेदर पोर्टल के पास है, क्योंकि जब भी मैं नेदर पे जाऊंगा तो अपना फायर रेजिस्टेंस का पोर्शन पहन के जाऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा मेरे लिए। चलो अब वो वाला काम करते हैं जिसके लिए तुम आए हो और जो मैं थंबनेल पे दिया था। मोस्ट ऑफ द रिंग्स मैं बनाने की कोशिश करूंगा, हालांकि कुछ ना भी बन पाए, लेकिन मैं कुछ कुछ कोशिश जरूर करूंगा। पहले मैं वाटर ब्रीदिंग का ट्राई करूंगा। वाटर ब्रीदिंग के लिए क्या लगता है? आई डोंट रिमेम्बर। वाटर ब्रीदिंग के लिए मुझे पॉपर फिश चाहिए, जिसके लिए मैं खरीदारी कर सकता इसका? ठीक है, पॉपर फिश का खरीदारी मैं नहीं कर सकता, पॉपर फिश नहीं मिल सकता बिना फिशिंग किए हुए। तो अब तो मेरे पास उपाय बचता है कि मैं फिशिंग ही करूं, लेकिन फिशिंग करूंगा कहां? ओह फाइनली यहाँ पर पॉपरफिश मिला। एक ही बनाना है मुझे, हालांकि ज़्यादा नहीं बनाना। चलो इसको होने देते हैं कि एक्चुअली हो गया है। मैं अभी रिंग भी तो बनाना है मुझे, एम्प्टी रिंग, थोड़ा ज़्यादा करके एम्प्टी रिंग बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन तो बनाना है इसीलिए इतने सारे काफ़ी रहेंगे। यहाँ पे ये आ गया, चलो अच्छा है। इसको यहाँ पे लो, इसको यहाँ पे लो, बन गया वाटर ब्रीदिंग का पोर्शन। इसको एक बार ले लेते हैं, ये देखो वाटर ब्रीदिंग का पोर्शन हमारे पास आ गया बॉस से। हालांकि मुझे इसकी कोई जरूरत तो है नहीं अभी, मुझे अभी वाटर ब्रीदिंग का हो गया। अब कौन सा पोर्शन होता है? चलो पोर्शन ऑफ स्वीटनेस से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे शुगर चाहिए होगा। शुगर कहाँ पे मिल सकता है मुझे शुगर? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर यहाँ पे आ गया पोर्शन ऑफ स्वीटनेस, और इसको मिला देते हैं अपने रिंग के साथ। ऑलराइट, ये आ गया पोर्शन ऑफ स्वीटनेस, एक बार ट्राई करके देखते हैं। वो डैम बहुत बहुत फास्ट हो गया मैं, बहुत सही। नेक्स्ट होने वाला है हमारा पोर्शन ऑफ नाइट विजन। उसके लिए मुझे कैरेट चाहिए और गोल्ड चाहिए, आई मीन गोल्डन कैरेट चाहिए। यार यहाँ पे ये कैसे आ जाता है बार बार, बेकार चीज़। और हाँ तुम लोगों को मैं ये जगह ठीक से दिखाया नहीं था कि मैं यहाँ पे ये कैसे हो गया यार, ये क्यों होता है ऐसे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ से मैंने इस मशीन को हटा दिया है हर एक जगह से, क्योंकि तो एज यू कैन सी कि मेरा पूरा का पूरा चेस्ट भर चुका है, तो मुझे अब उस मशीन की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा तब मैं दोबारा ला दूंगा। ये आ गया हमारे पास पोर्शन ऑफ नाइट विजन। चलो अब मैं रिंग बना लेता हूँ। यहाँ पे ये रखो, यहाँ पे ये रखो, और बन गया हमारा नाइट विजन का पोर्शन। हालांकि मुझे कुछ फर्क तो अभी लगेगा नहीं, क्योंकि नाइट हो कहाँ रहा है। हमारा नेक्स्ट पोर्शन होने वाला है पॉइजन की पोर्शन। हाँ कुछ अच्छे खासे पोर्शन अब बचे नहीं, तो ये वाला पोर्शन क्यों ना बना लिया जाए। एक्चुअली पोर्शन ऑफ टर्टल मास्टर भी बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये स्क्विड बहुत सारे हो चुके हैं, तो क्यों ना पोर्शन ऑफ टर्टल मास्टर बनाया जाए। जिन जिनको नहीं पता पोर्शन ऑफ टर्टल मास्टर कैसे बनते हैं, तो उसके लिए तुम्हें ये स्क्विड का हेलमेट चाहिए होगा और एक ऑकवर्ड पोर्शन। तो इन दोनों को मिलाने से तुम्हें एक टर्टल मास्टर का पोर्शन मिल जाएगा, और इसके साथ मैं रेडस्टोन मिलाने वाला हूँ, क्योंकि वो जरूरी है वो। यहाँ पे आ गया पोर्शन ऑफ टर्टल मास्टर, जो कि -60% तक मेरा स्पीड घटा देगा कम्प्लीटली। अब मुझे चाहिए होगा एक रिंग, इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया हमारा टर्टल मास्टर का रिंग। और इसको पहनूं तो ये देखो वो मुझे रेजिस्टेंस भी मिलेगा इसके साथ साथ, मुझे पता नहीं था भाई कितना कितना सब पास हो गया अचानक से, सब कुछ पास हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस मिल गया मुझे इसके चक्कर में। हमारा नेक्स्ट पोर्शन होने वाला है एक बेकार सा पोर्शन जो बहुत ज्यादा काम तो नहीं करता, जो कि होगा इनविजिबिलिटी पोर्शन, और मुझे एक और नाइट विजन की पोर्शन चाहिए उसके लिए। अनफॉर्चुनेटली फर्मंट स्पाइडर आई नहीं मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास ब्राउन मशरूम नहीं है, तो मुझे इस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ेगा। किस चीज का था ये? हाँ इनविजिबिलिटी का पोर्शन का, ठीक है कोई नहीं। नेक्स्ट पोर्शन हमारा फिर होगा 3:28 AM, 6.5 hours late. पोर्शन ऑफ पॉइजन।
आई गेस कि पॉइजन पोशन ही हमारा आखिरी पोशन होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे पोशन तो दिए हुए नहीं है और कुछ पोशन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और कुछ पोशन मैं बना सकता नहीं हूँ। यहाँ पे आ गया हमारा पॉइजन की पोशन और बना लेते हैं अपना पॉइजन रिंग। देखते हैं एंड इट सीम्स लाइक कि मैं पॉइजन के पोशन का रिंग नहीं बना सकता। ठीक है, एक बार क्यों ना पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग ट्राई किया जाए। मतलब वर्थ है कि नहीं मुझे तो नहीं पता इतना, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। मुझे उसके लिए कुछ चीजें चाहिए होगा, जैसे कि एक फैंटम मेम्ब्रेन जो मैं खरीदारी कर सकता हूँ अपने सैलवेज टेबल से, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं उसका। ऑलराइट, मुझे बस एक ही चाहिए, फैंटम मेम्ब्रेन मिल चुका है। जो ऑकवर्ड पोशन के साथ मैं डाल दूंगा यहाँ पे फैंटम मेम्ब्रेन, जिससे मुझे मिल जाएगा स्लो फॉलिंग का पोशन। लेट्स सी कि स्लो फॉलिंग का पोशन बनेगा कि नहीं। वो बनेगा, स्लो फॉलिंग का पोशन बनता है फिर पोशन रिंग एक्चुअली। वो देखो इफेक्ट, देख रहे हो इफेक्ट, ये देखो इफेक्ट, ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, ये कैसे स्पॉन हो गया यहाँ पे। यहाँ पे कूदो, ये देखो कितना स्लोली फॉल हो रहा है और ये तो अनलिमिटेड तक है। ये ड्रैगन को जब मारूंगा तो वहाँ पे अच्छे काम आएंगे, देखना पड़ेगा। वेल, अभी के लिए तो मैं इतने ही पोशन बना सकता हूँ, पोशन रिंग बना सकता हूँ, और बाकी मैं देख लेता हूँ और बचे कौन कौन से हैं। बचे मेरे पास है पोशन ऑफ वीकनेस और पोशन ऑफ और क्या इनविजिबिलिटी, इसके बाद बचा है वाटर ब्रीथिंग तो हो गया, पोशन ऑफ पॉइजन, पॉइजन भी बना लिया, पोशन ऑफ हार्मिंग जिसके लिए फर्मेंटेड आई चाहिए जो मेरे पास नहीं है, हार्मिंग बचा हुआ है, उसके साथ लीपिंग बचा हुआ है जो कि एक रैबिट फुट के साथ कंप्लीट होगा। तो इतने सारे पोशन अभी तक मुझे बचे हुए हैं जो कभी ना कभी तो पूरे हो ही जाएंगे क्योंकि मैं अभी तक पूरा बुक कंप्लीट कहां किया हूं। चलो अब अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर बढ़ते हैं जो कि वो क्वेस्ट बुक तो नहीं है निकिल, जो कि सारे के सारे मेरे जितने भी मैंने वो बनाया था ये जनरेटर्स, उन्हें मैं ऑटोमेटिक सिस्टम का तुम लोग का थोड़ा नॉलेज दूंगा, थोड़ा आइडिया दूंगा बुक के हिसाब से ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे खुद का दिमाग तो इतना है नहीं। चलो क्यों ना पहले हम कंबर्शन जनरेटर से स्टार्ट करते हैं। कंबर्शन जनरेटर को अगर मैं बुक में पढ़ा था तो उसके लिए मुझे एक ड्रॉपर चाहिए और एक ऑब्जर्वर चाहिए, और अब जब नेदर क्वार्ट्ज भर भर के है तो मुझे ऑब्जर्वर बनाने में कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। बाय द वे इसका रेसिपी क्या होता है मैं भूल गया, चलो इसे नीचे जाकर बनाऊंगा मैं। अब दोनों चीजें आ गए मेरे पास, वे उतर लेना। तो मुझे पहले अपना कंबर्शन जनरेटर यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे, और इसको ठीक मॉनिटर करने के लिए मुझे एक ऑब्जर्वर चाहिए होगा। तो क्यों ना मैं अपना ऑब्जर्वर को ठीक यहाँ पे लगा दूँ, ये भी उतना बुरा नहीं है। और अब मुझे चाहिए होगा एक ड्रॉपर ताकि उसमें कोल्ड ड्रॉप हो सके, तो ऊपर करके लगाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या, ये कहीं भी लगा सकता हूँ ना मैं, कहीं भी लगा देता हूँ। यहाँ पे लगा दिया, मुझे थोड़े रेडस्टोन चाहिए होंगे, यहाँ पे रेडस्टोन लगाऊँ तो होगा। अरे ये इधर क्यों आ गया, ये इधर नहीं होना चाहिए इसे, इसे मुझे दूसरे साइड करके लगाना पड़ेगा। ओके, अब मैं अपने डिस्टेंस सिस्टम में थोड़ा सा बेहतर कर दिया, बेहतर क्या ठीक कर दिया एक्चुअली, वो पहले ठीक से ज्वाइन नहीं हुए थे, अब ये ठीक से ज्वाइन हो गया है। तो अगर मैं अब इसको यहाँ पे लो, थोड़ी देर के लिए सही ऐसे करो, जला ड्रॉपर से तो इसके अंदर ड्रॉप होना चाहिए था, क्या हुआ इसे। ऑलराइट, अब ड्रॉपर को मैं अब ऐसे करके लगाने वाला हूँ, आई होप कि इस बार काम कर जाए, आफ्टर ऑल ड्रॉपर है तो लगता तो है कि काम करेगा। लेट्स सी, इसके अंदर मुझे कोल भरना पड़ेगा और एक लीवर को यहाँ पे लगाओ, कोल कहाँ गया यार, ये क्यों हो रहा है। ओ, हो गया, बहुत सही। तो अब करना क्या है कि मुझे ऑब्जर्वर को अपने ड्रॉपर के साथ जोड़ना पड़ेगा, दैट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। इस बार टेस्ट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ऑब्जर्वर को ठीक यहाँ पे लगाऊंगा और इसको हटा दूंगा यहाँ से, और अब मैं इसका जला दूंगा और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर रख दूंगा ठीक यहाँ पे, इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट द फक आई एम डूइंग, आई डोंट इवन नो, आई जस्ट होप कि काम करता है जैसे तैसे। ठीक है, ये दोनों कनेक्ट तो हो गए, अब आई होप कि ये जस्ट काम नहीं किया, ये सिग्नल नहीं पहुंचा है क्या। फिर से एक बार, क्यों ना इस बार मैं ऑब्जर्वर को सामने रखूं, आई गेस सामने का फ्लेम जब चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये काम करना चाहिए, है ना। लेट्स सी कि काम करता है कि नहीं, यहाँ पे आग जल रहा है, आई होप कि ये ऐसे पावर भेज दे उसे। ना, नहीं हुआ, ये ऑब्जर्वर काम क्यों नहीं कर रहा, ये ऐसे काम नहीं करेगा क्या, कैसे काम करेगा फिर। ओके, एक रास्ता मुझे पता चला जिससे कि मैं बना सकता हूँ एक ऑटोमेटिक कंबर्शन जनरेटर, और इसके लिए मुझे इंटरनेट की हेल्प लेना पड़ा, क्या कर सकता हूँ। तो मुझे चाहिए होगा पहले ये वाला जनरेटर, ऑब्वियसली जनरेटर को ठीक यहाँ पे लगाओ,
उसके नीचे लगा दो उसके या फिर पीछे लगा दो, ये क्या कहते हैं इसे, ऑब्जर्वर। फिर अपना ले लो ड्रॉपर, ड्रॉपर तुम ठीक इसके ऊपर लगा दो लाइक दिस, ठीक है। अब तुम्हें पीछे कवरस्टोन चाहिए होगा या फिर कोई भी एक ब्लॉक ले लो रैंडम सा, इसके ऊपर ये लगा दो। फिर तुम एक रेडस्टोन टॉर्च ले लो, इसे यहाँ पे लगाओ। एक लीवर ले लो, इसे यहाँ पे लगाओ और लीवर को क्लिक करके ऐसे करके लगा दो। ओह अच्छा, इसके अंदर मैं कोल भरना पड़ गया, एक्चुअली भूल गया इसके अंदर कोल भरना, कोई नहीं, इसको ऐसे लगाओ। ओके अब मैं इसके ऊपर एक ग्लास लगा दूंगा, ठीक यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लगाऊंगा। और क्या मुझे मिल गया अभी, ये मुझे ही मिल गया, इसे यहाँ पे लगाऊंगा। आई होप कि अब ये काम करेगा, रिस्क नहीं लेता इसलिए मैं ऊपर भी लगा दूंगा। अब ये अच्छे से काम तो कर रहा है निकल वहाँ पे, कोल्स को ये ले नहीं रहा जो मुझे लेना पड़ रहा है बार बार, बट ये अब ऑटोमेटिकली हो गया है, कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। आई मीन अगर मैं आग को बुझने दूँ, ये देखो निकल डबल टाइम को कोल को बाहर निकल रहा है, आई डोंट नो वाई। तो ये काफ़ी एक डिसेंट सा जनरेटर है ऑटोमेटिकली, लेकिन मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग सोलार जनरेटर पर ही जाओ, वो ज़्यादा बेटर है इससे। अब मैं लावा जनरेटर देखना चाहूँगा कि ऑटोमेटिक कैसे करता है, मैं यही वाला टेक्निक अब यूज़ करके देखना चाहूँगा कि इससे मैं कर पाता हूँ या नहीं। अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ ये तो ये, अरे ये क्या हो रहा है, इसके अंदर अगर मैं लावा भर दूँ क्या ये काम करेगा? ओके काम किया, निकल उसके साथ बकेट भी निकल गया। क्या यार, अब मुझे दोबारा लावा लाना पड़ेगा। ओके लावा खत्म हुआ। ओके ये लावा बकेट क्यों बाहर आ गया? आई गेस हल्का फुल्का चेंज भी ऑब्जर्वर डिटेक्ट कर ले रहा है। ओके ठीक है, कोई नहीं, इसे कम्प्लीटली खत्म होने देते हैं। आई मीन अगर ये हाफ पे खत्म हो जाए तो ये फिर भी डिटेक्ट कर लेगा, तो उस बात तुम लोग अपने आप में ध्यान लगा देना। ओह ये ऑटोमेटिक हो गया, तो इसका मतलब ऐसे करके सारे के सारे जनरेटर ही ऑटोमेटिकली काम करेंगे, चाहे वो स्टीम हो लावा हो। अब आते हैं हम अपने बायो जनरेटर पे। मुझे काफ़ी हद तक तो उम्मीद है कि ये वैसे ही काम करेगा जैसे पिछले वाले जनरेटर्स किए, बट एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। ये किया, दोबारा किया, चला गया। अरे यार डबल टाइम ड्रॉपर कुछ तो गड़बड़ है, डबल टाइम क्यों कर रहा है इसे? नहीं सिंस इज वुड है, अरे ये क्या हो रहा है भाई मेरे स्क्रीन को, सिंस ये वुड अनलिमिटेड है तो मुझे इतना कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। द नेक्स्ट डे ये देख रहे हो मेरे पास कितने सारे एन्चेंटेड एप्पल आ चुके हैं, और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है वॉइड माइनर को। एनीवे मेरा अभी ये कहने का मतलब नहीं था। वेल मैं अब आज एक नया तरीके का जनरेटर तुम लोगों को शो करने वाला हूँ जो कि है वाटर व्हील जनरेटर, और ये किसी बुक में भी नहीं है सिवाय उस मशीनरी बुक के। तो वाटर व्हील जनरेटर का रेसिपी कुछ इस ढंग से है, जिसके लिए मुझे काफी हद तक काफी चीजें चाहिए जो कि बहुत ही आसान है जुगाड़ करना आज के दिन में। इसके साथ हमारे पास आ गया हमारा वाटर व्हील जनरेटर, एंड मुझे लगता है कि ये 2 RF 2 RF देता है जस्ट। एनीवे मुझे लगता है जहाँ तक ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है, आई मीन ऐसा लगता तो है कि वाटर ऑटोमेटिक है, बाकी कुछ और भरना पड़ेगा क्या इसके अंदर? कोई नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। लेकिन उसके मतलब मुझे ये सब हटाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है। ठीक है बिना हटा कर ट्राई करते हैं कि काम होता है या नहीं। ओके पहला ये वाला दिया 20, ठीक है ये ऑटोमेटिक है, समझ गया ये ऑटोमेटिक है, ये 20 तक तो दिया और बाकी ये तो है। ठीक है तो तुम लोग वाटर व्हील भी दे सकते हो, लेकिन तुम्हें बहुत सारे बनाने पड़ेंगे और इसके लिए तुम्हें आयरन ब्लॉक भी काफ़ी सारे लगने वाले हैं। आई मीन तुम लोग रेसिपी तो देख ही लिए हो कि कितने सारे आयरन ब्लॉक लगे थे इसके लिए। चलो आज के लिए मेरा अब तो कुछ रहने करने को रहा नहीं, क्योंकि मैं बुक का क्वेस्ट को नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट करने वाला हूं, तो इसे अंदर रखो। लेकिन मैं एपिसोड को खत्म नहीं करने वाला हूं अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा और लंबा चाहिए इससे, इसीलिए क्यों ना थोड़ा सा लकी ब्लॉक बनाया जाए। लकी ब्लॉक इससे नहीं बनता था ना, अगर मैं इसे ऐसे करूँ, ओह यस 4 लकी ब्लॉक बनेंगे, और भी चाहिए। लेकिन 4 को पहले खोल तो लूँ, और भी चाहिए क्या, थोड़ा सेफ्टी।